कि मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग लिखते हैं, उससे अच्छा है कि हम यहीं पे हम इक्वल करें और यहीं पे 1, 2, 3, 4, 5 लिख दें कर्ली ब्रैकेट में, जैसा कि हमने वी लुकअप के लिए किया था और मिड के लिए किया था। और फिर इस पूरे को सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल शिफ्ट एंटर मार दीजिए। अगर आपको इसी चीज़ को अगर आप नीचे रो वाइज करना चाहते हैं तो आप सेम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे सेमी कॉलन के साथ, सेमी कॉलन के साथ करेंगे और फिर आप रो वाइज सेलेक्ट करेंगे और F2 करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर मार देंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर आपको रो एंड कॉलम दोनों मेंटेन करने हो तो उस केस में, जैसे कि देखिए रो एंड कॉलम दोनों करना, तो मैं चाहता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 फाइव आ गया। इसके बाद मैं दूसरा रो लेना चाहता हूँ, 6 है दूसरे रो में चाहिए, तो मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया। फिर यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10 फिर यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया, या तीसरा के लिए चाहिए सेमी कॉलन लगा दिया। उसके बाद हम यहाँ पे 5 कॉलन और 2 रो सेलेक्ट करके F2 मारेंगे और कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करते ही आप देखिए 6 से ही टूटा। अब इसके अनिल जी ने बताया कि इसका यूटिलाइजेशन क्या है, चलिए इसका यूटिलाइजेशन आपको हम सिखाते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह के नंबर है कि 1, यहाँ पे बैंक के नेम है PNB, टू टू 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 ऐसे मान लीजिए। तो यहाँ पे हम कोड लिखते हैं और यहाँ पे बैंक नेम जो है मुझे आना चाहिए, इसके लिए क्या लगाओगे? इसके लिए आप वी लुकअप लगा सकते हो आसानी से, वी लुकअप कॉमा, और इसको सिलेक्ट कर लिया हमने, कॉमा 2, 0, क्या सही बोल रहा हूँ मैं? अब मैं यहाँ पे एक बस छोटा सा हमारा एक और काम करना है कि मैं नहीं चाहता डेटा को सीट किसी पर्टिकुलर शीट पे रखना, समझे? मैं नहीं चाहता किसी भी डेटा को अपने इस डेटा को सीट पे रखना, मैं चाहता हूँ ये डेटा हिडन कहीं रहे। तो बोलोगे मैं हाइड कर दूँ? नहीं, मैं एक्सेल सेल पे रखना ही नहीं है, एक्सेल सेल को देना ही नहीं है, हमें फॉर्मूले के अंदर रखना है। तो कैसे होगा भाई, वी लुकअप में डेटा कैसे रख पाओगे आप? क्या अनिल जी, डेटा तो किसी के सेल पे होगा जिसे स्पेशली रूल कहता है, बट एरे एरे के जरिए हो सकता है इस मेथड से, जो मेथड मैंने आपको बताया ना इस मेथड से। तो इस मेथड से हम आपको 2, 3 डेटा रख के दिखाते हैं कि वी लुकअप इसको सेलेक्ट किया हमने और टेबल हमने क्रिएट किया कॉमा लगा के, हमने दिया 1, 1, PNB, फिर सेमी कॉलन सेकेंड रो के लिए, फिर 2, 2, SVI, लेकिन टेक्स्ट है इसको सेमी कॉलन में डालना पड़ेगा, इसमें इनवर्टर कॉमा में डालना पड़ेगा। फिर सेमी कॉलन 3, 3, HDFC, HDFC, ऐसे आप पूरा डाल देंगे। फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज कीजिए, फिर कॉमा 2, 0। अभी क्या करा कि इसने एक बैकिन के अंदर में एक ए बना दिया, टेबल बना दिया, एक दो तीन रो था, इसमें 1, 1 डाल दिया, इसमें PNB डाल दिया, इसमें 2, 2 डाल दिया, इसमें आपका SVI डाल दिया। तो वी लुकअप जैसे नॉर्मल टेबल पे लगता है, ऐसे टेबल पे दिया 1 और 2, 2 काउंट करके शो कर दिया। इस तरीके से वी लुकअप के अंदर हमने अपना डेटा डाल सकते हैं। डेटा कैसे डालेंगे समझ में आया आपको? अनिल जी को डाउट? नहीं, आप देखिए, आप यहाँ पे हमने डाला है, हम सेम मेथड से डाले जो कि यहाँ पर डाले थे हमने,
कि जहाँ से हमें रो चेंज करना है वहाँ से हमने सेमी कॉलन डाल दिया था ना। तो सेम यहीं पे हमारे पास क्या था कि वन एंड कॉमा पी एन मी, क्योंकि वन और पी एन मी जो है एक रो में है, कॉलम सेपरेशंस है। उसके बाद जो मेरा टू और एस बी आई है सेकेंड रो में है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन डाला। सेमी कॉलन डालते ही बैक में दूसरे रो में चला जाएगा। तो वी लुकअप को ऐसा नहीं कि वी लुकअप को ऐसे मिलेगा, वी लुकअप को एक पूरी की पूरी अंदर टेबल्स में मिलेगा, बैकएंड में एक टेबल्स में मिलेगा। और जैसे नॉर्मल हम सीट पे काउंट करते हैं, सीट को देख के निकालेगा। तो ऐसे तीसरा कॉलम करना है तो आपको तीन कॉमा फिर एक सेमी कॉलम, उस हिसाब से दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि इतना लंबा फॉर्मूला अगर हम एक्सेल पे लिखेंगे तो काफी बड़ा लंबी हो जाएगा क्या। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, और मुझे कई सारे जगहों पे कई सारे जगहों पे लिखना पड़ेगा। तो इसका सिंपल यूज हम क्या कर सकते हैं कि हम फॉर्मूले के अंदर जाएंगे, डिफाइन नेम, हमने डेटा नाम के नेम डिफाइन कर लिया, और डेटा नाम जो हमारा रेंज था उस रेंज में हम नाम ना डाल के उस एरे फॉर्मूला जो वीलुकअप में डाले थे ना, उसी चीज को यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, अब मैं वी लुकअप लगाऊंगा तो यहां पे इक्वल वी लुकअप, और इसको सेलेक्ट ना करके हम सीधे डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा टू कॉमा जीरो। तो ये कहां चला गया, नेम मैनेजर में। तो अब आसान हो गया, लेकिन फिर भी हमें टाइप तो करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि मेरे पास 50-60 डेटा है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ आईडी और यहाँ कर देता हूँ नेम। अब इतना बड़ा डेटा को मुझे वीलुकअप के अंदर डालना, क्या तो मुश्किल है ना, टाइप करना तो मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, हम एक मेथड को अपनाएंगे जो कि एक्सेल में परफॉर्म नहीं होता है, एमएस वर्ड में परफॉर्म होता है। तो इसके लिए हम एमएस वर्ड खोलते हैं, ध्यान से देखिएगा। और इसमें मैं पेस्ट स्पेशल करूंगा, क्या करूंगा, पेस्ट स्पेशल अनफॉर्मेट यूनिकॉर्न टेस्ट एंड ओके कीजिए। अभी क्या है, देखिए कि मुझे इस गैप को कन्वर्ट करना है कॉमा में, और इसको इसको कन्वर्ट करना है सेमी कॉलन में। समझे कैसे करें, तो हम कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल एस से रिप्लेस के लिए हम आते हैं। तो रिप्लेस में हमारे पास मोर ऑप्शन से क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्पेशल होता है, जैसे मैंने बोल दिया टैब करेक्टर, मतलब कि इन दोनों ये जो गैप है ना, इस गैप को वर्ड टैब मानता है, इसको इस करेक्टर से संबोधित करता है। इसको मैंने बोला कि रिप्लेस विथ कॉमा, रिप्लेस ऑल, यस, देखा कॉमा से रिप्लेस हो गया। हाँ आया समझ में। उसके बाद अब यहां से इसको जो है पैराग्राफ मार्क मानता है, तो पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया और पैराग्राफ को मैं सेमी कॉलन से रिप्लेस कर दिया, ये हो गया। और इस पूरे डेटा को हम कॉपी करते हैं, और कॉपी करके एक्सेल पे लाते हैं, एक्सेल की एक सेल पे पेस्ट करते हैं। ये सही है, नहीं अभी गलत है, क्यों, क्योंकि अभी इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा है। अब आपको इन्वर्टेड कॉमा जो होगा वो कॉमा कैसे लगाएंगे, देखिए कॉमा को हम रिप्लेस करेंगे स्टार्टिंग इन्वर्टेड कॉमा के साथ, समझे, जहां जहां कॉमा है उस कॉमा से पहले एक इन्वर्टेड कॉमा लग जाए। नहीं, माफ कीजिएगा, गलत किया, मैं गलत किया, हमें कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा करना है। एंड रिप्लेस ऑल, और ये जो रिप्लेसमेंट है ना, प्लीज आप एक्सेल में कीजिएगा कि वर्ड का जो इन्वर्टेड कॉमा है ना, एक्सेल कंसीडर नहीं करता है। फिर मैंने बोला कि सेमी कॉलन को आप
क्लोजिंग और सेमीकॉलन रिप्लेस ऑल। तो आपने देखा जहां जहां वर्ड था वहां वहां इन्वर्टर कॉमा लग के आ गया अपने आप। अब इसमें एक दो है जैसे कि आईडी में नहीं लगा है तो आप आईडी में लगा दीजिए, और एक लास्ट में सेमीकॉलन फालतू है इसको लगा दीजिए। उसके बाद इनको कर्ली ब्रैकेट में डाल दिए और यहां पे डाल दीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए। और जो डेटा फील्ड हमने रखा था ना डेटा फील्ड, और डेटा फील्ड के हटा के या फिर एक नया डेटा बना लीजिए, एक न्यू डीटी के नाम से मैंने बना लिया, और इसके जगह पे हम उसको पेस्ट मार देते हैं एंड ओके कीजिए, आ गया आपका एंड क्लोज। अब मैं वी लुकअप लगा सकता हूँ, सॉरी 103 वी लुकअप मैच लगा लीजिए, वी लुकअप लगा लीजिए कॉमा डीटी कॉमा 0 2 0। ठीक है, तो हमें इन फ्यूचर में कभी कभी क्या होता है, ऐसा वक्त आता है जहाँ पे डेटा को सिक्योर रखना पड़ता है। तो किसी फील्ड पे रखोगे, मान लो कि आपने सीट 3 पे रखा, किसी ने सीट 3 डिलीट कर दिया तो आपका डेटा गया। हाँ जी हाँ, नहीं इसमें करने की जरूरत नहीं है, जिस फॉर्मूले में आप खुद कर्ली ब्रैकेट, देखिए दो चीजें, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो और जिसमें आप कर्ली ब्रैकेट लगा रखे हो उसमें आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा रखा है ना, और डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। नहीं नहीं कल जो कर्ली ब्रैकेट हुआ था डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ना हम, इसलिए जैसे कि मान लीजिए कि मुझे कर्ली ब्रैकेट लगाया मैंने बोला 50, 60 और इनको मुझे मल्टीप्लाई करना है 20 से और मैं इसको सम कर देता हूँ, तो मुझे इसमें इसमें जो है ना कंट्रोल सिर्फ एंटर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ अगर मैं इसको 50 और यहाँ पे अगर 60 लिखता, अगर मैं यहाँ पे लिखता इक्वल सम, इसको सेलेक्ट करता और मल्टीप्लाई बाय 60 करता तो मुझे कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारने की जरूरत पड़ती। ठीक है, क्योंकि मैं कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया था, इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन फ्यूचर में कभी आपको अगर अपने डेटा को कहीं हिडन करने की जरूरत पड़ी तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये तरीका जो मैंने आपको बताया। क्लियर है, किसी को कोई डाउट? ओके, अब चलिए कुछ छोटे मोटे एग्जांपल्स देखते हैं। और मैं आपको आज एक बुक भी दूंगा, मैंने फॉर्मूले की बुक तो आप लोगों को नहीं दी है ना, कि दी है फॉर्मूले की बुक? ओके, तो आज आपको मैं एक फॉर्मूले का बुक दूंगा जिसमें आपको एरे का चैप्टर होगा, एक बुक मैं एक लिंक मेल करूंगा उसमें एक एरे का चैप्टर होगा। आपको अब्दुल जी है, आपको तो आई थिंक होगा, वही एक्सेल 2010। हाँ हाँ एक्सेल 2010 फॉर्मूला, पर्पल वाली, ग्रीन वाली तो आपका वीडियो मैक्रो है ना। एक बुक आपको रिकमेंड भी करूंगा, उसके बाद आप चलिए बात चलते हैं आपके सिंपल सा बात, सिंपल सी कुछ जो हमारे काम है उस काम पे चलते हैं। आज आपका इंटरमीडिएट मैथ्स एरे है, जैसे कि कुछ नंबर्स हैं हमारे पास और इसको हमने डिवीजन किया, हम ऑफिस में करते हैं ना इसका इस तरह का कुछ काम। मैं इसको यहाँ से डिवाइड करता हूँ, डिवाइड बाय 65। अब यहाँ पे एरर आया, क्यों एरर आया? क्योंकि यहाँ पे जीरो था। ठीक है, अब मैं इसको सम करूँगा, इक्वल सम,
सम किया तो क्या रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि स्पेशी रूल कहता है कि अगर आपके फॉर्मूले के इनपुट में किसी भी तरह का एरर इनपुट हुआ तो रिजल्ट भी आपका एरर ही आएगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम आ गई कि मुझे सम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे इस एरर लगा के इस एरर को छोड़ना पड़ेगा, फिर इसको सम करना पड़ेगा, मतलब कि एक कॉलन एक फॉर्मूला आपको भर गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे करेंगे सम और डायरेक्ट बोलेंगे इफ एरर और इसको सेलेक्ट कीजिए और कॉमा बोले जीरो एंड कंट्रोल शिफ्ट एंटर। देखा आपने? तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारते ही हमारा यहाँ पे आपको दिख गया। तो हमने यहाँ पे एरर का यूज किया, इफ एरर का यूज किया। तो अलग अलग जगहों पे लगाने के जगह हम फॉर्मूले को एक साथ यहीं पे लगा सकते हैं। सर जी क्वेश्चन था सर, ये आपने अगर ये आप अरे अरे यहाँ पे ना लगाए तो खाली सम और इफ एरर से भी चलेगा ये? नहीं, देखिए क्यों नहीं चलेगा मैं आपको बताता हूँ कि इफ एरर जो है वो एक या इफ फॉर्मूला या इफ एरर फॉर्मूला एक बार में एक ही इनपुट लेती है, एक सेल की इनपुट लेती है। ऐसा नहीं कि पूरा सेल सेलेक्ट कर देते, क्या पूरा सेल का एड्रेस दे देगा वो? समझे? तो जैसे जो फॉर्मूला एरे हम कहाँ पे यूज करते हैं, जो फॉर्मूला सिर्फ एक इनपुट लेके एक आउटपुट देता है, उसको लूप करने के लिए, लूपिंग करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सर क्यों? एक सेकंड सर, सर पेंसिल से सर डायग्राम बना के समझा दूं सर, ये मेमोरी में कैसे चलता है अरे सर? जी वो पेंसिल से सर डायग्राम बना के समझा हाँ, दूं सर कि कैसे मैं चलता है? आपको ही बता रहा हूँ, डायग्राम लाने की जरूरत नहीं। यहाँ देखिए, जब इफ एरर टूटा तो इसके बाद कितने वैल्यू थे? 10 वैल्यू थे। तो उसने इफ एरर ने सम को रिटर्न कर दिया 10 वैल्यू, 1 बाय 1 जो है इफ एरर चला। ठीक है, और इफ एरर ने सम को एक एक करके सारा रिजल्ट दिया। जहाँ पे ये देखिए, जहाँ पे उसका ए था एरर था, वहाँ पे इसने यहाँ पे 0 दे दिया, 0 दे दिया। तो इस तरह से दे दिया, सम को मिला, और सम को जैसे नंबर मिला उसको सम कर लिया। तो कर्ली ब्रैकेट में अगर रिजल्ट आता है तो एक तरह से एक टेबल और एक सेल एड्रेस की तरह ही ट्रीट करता है आपका फॉर्मूला, चाहे सम हो चाहे मैक्स हो चाहे मिनिमम हो, जो भी आप लगाते हो सारे फॉर्मूले। ठीक है, लेकिन ये चीजें आपको समझ में तभी आएगी जब इस पे आप काम करोगे। अब जैसे कि एवरेज की बात कर लो, तो आपके नंबर में कहीं 0 लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे। अब इसमें कंडीशंस की बात करते हैं, मुझे यहाँ पे एवरेज लगाना है। तो अगर मैं एवरेज लगाता हूँ तो एवरेज का रोल क्या होता है? एवरेज का रोल ये होता है कि सम डिवाइड बाय काउंट ऑफ नंबर। तो इसका सम क्या आ रहा है? इसका सम आ रहा है आपका 394 और काउंट 11, मतलब 0 को भी काउंट कर रहा है। ब्लैंक होता तो नहीं काउंट करता, बट 0 है। तो प्रॉब्लम आ गई कि आपको 0 को एवरेज में कंसीडर नहीं करना है। 0 इट मीन्स नथिंग। तो प्रॉब्लम आ गई कि मुझे एवरेज निकालना है, स्किप करना है 0 को, 0 को स्किप करके देन एवरेज निकालना है। उस केस में क्या करेंगे हम? उस केस में हम करेंगे यहाँ पे एवरेज। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि एरे सिर्फ नंबर, जिस सेल में नंबर है नंबर पे उसका एरे का रिजल्ट हमेशा नंबर में ही होना चाहिए, टेक्स्ट बेस पे नहीं, एरे का रिजल्ट नहीं परफॉर्म करता है, याद रखिएगा। तो इफ हमने बोला कि दैट ग्रेटर देन 0
हमने बोला कि इफ ए वन से ए इलेवन इज ग्रेटर देन जीरो तो एवरेज को ए रिटर्न करो और इसको ब्रैकेट को क्लोज करो एंड कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ये आपका 49 है। अब कैसे काम किया ये देखिए, इसने क्या किया, पहले टूटा, पहले इफ ने क्या किया, सबको चेक किया कंडीशंस को कि कौन कौन जीरो से बड़ा है, तो जो जो जीरो से बड़ा है वहाँ वहाँ पे ट्रू आ गया, देख रहे हैं ट्रू आया। उसके बाद इफ ने देखा कि जहाँ जहाँ ट्रू है वहाँ वहाँ उसके नंबर को फिट कर दिया, देखिए 85 फॉल्स, 25 85 फॉल्स, और फिर एवरेज को दिया। एवरेज क्या करता है कि फॉल्स को ट्रू एंड फॉल्स को कंसीडर नहीं करता है, एवरेज का रोल है कि फॉल्स को कंसीडर नहीं करता है। तो एवरेज को जहाँ जहाँ फॉल्स मिलो उसने उसके सम से भी और काउंट से भी दोनों से हटा दिया और रिजल्ट आपका जीरो स्किप होके हुआ। आया समझ में अनिल जी? ओके अगर नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो मेरे पास अब एक आज का लास्ट एग्जांपल, ज़्यादा नहीं बताऊंगा फिर आपकी सर दर्द करने लगेगा, फिर ऑफिस भी नहीं जाओगे आप। टेस्ट अब मेरे पास दो नंबर्स आए हैं इस तरह से, मुझे चेक करना है कि दोनों नंबर मैच करते हैं कि नहीं करते। हमें क्या करना है, देखने हैं कि दोनों नंबर मैच करते हैं कि नहीं करते। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको आपस में इक्वल कर देते हैं, मैनुअल करना हुआ तो ठीक है, और फिर इसमें हम काउंट इफ से ट्रू को काउंट कर लेते हैं, ये करते हैं ना। लेकिन बोला ना कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, मैं एक सेल पे यहीं पे निकालना चाहता हूँ कि दोनों में कितने बराबर हैं। तो इसके लिए हमें इक्वल सम, यहाँ देखिए सम इफ कि अगर ए बराबर है इससे, अगर ए वन ये दोनों बराबर है तो सम को वन दे वरना जीरो दे। मैंने क्या बोला कि इफ ए वन से एक्स सिक्सटीन इक्वल टू सी वन से सी सिक्सटीन तो वन वरना जीरो। सॉरी ऑडियो कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। तो मैं यहाँ पे बोल रहा था अनिल जी कि हमने बोला कि सम इफ ए वन से ए सिक्सटीन इक्वल टू सी वन से सी सिक्सटीन ऐसा हुआ तो वन एग्जांपल दे वरना जीरो दे, फिर मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारूंगा तो 16 आ रहा है क्योंकि 16 बराबर है। अगर बीच में मैं मान लो 28 की जगह 27 कर देता हूँ तो ये आपको मैच नहीं कर रहा है, क्यों नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि अलग अलग है। तो एक परफॉर्म कैसे कर रहा है, आइए इस फॉर्मूले को समझते हैं। इफ को क्या हुआ कि दोनों के दोनों इस तरह से मिले तो इसको भी इक्वल करके इसको भी इक्वल करके दे दिया, जहां जहां मैच किया वहां वहां उसने ट्रू डाला और जहां मैच नहीं किया वहां फॉल्स डाला। फिर इफ ने चेक किया कि जहां जहां ट्रू है वहां वो वन अपीयर कर दिया और जहां जहां फॉल्स है वहां वहां जीरो कर दिया और जहां जहां वन है वहां वहां सम आ गया। लेकिन इसके लिए आपका सीक्वेंस में होना जरूरी है, लेकिन मान लीजिए सीक्वेंस में नहीं, आपको पता करना है कि क्या ए इसकी सारी वैल्यू इसमें एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो आप लोग काउंट इफ लगाते हैं ना, काउंट इफ लगा कर चेक करेंगे इसमें है कि नहीं है, या मैच लगा कर चेक करेंगे इसको, फिर इसमें चेक करेंगे, फिर इसको फिर इसमें चेक करेंगे, फिर इसको फिर इसमें चेक करेंगे, तो वन बाई वन हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जस्ट सम और यहाँ देंगे इफ और यहाँ देंगे काउंट। अब देखिए अब धीरे धीरे एरे कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है आपका, एक साथ कई सारे फॉर्मूले यूज कर रहे हैं कि इसमें जाओ और इसको करो।
एक साथ हमने दोनों को ले लिया और बोला कि इसका रिजल्ट अगर रिजल्ट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू वन है तो वन एपियर करो वरना जीरो एपियर करो। रिजल्ट नहीं आया, इस पर हमें करना होगा F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर। 15 आया, एक ऐसे परफॉर्म किया, देखिए पहले काउंटिफ ने चेक किया फिर काउंटिफ अपना रिजल्ट दिया, जो जो काउंट देखिए यहाँ पे दो बार कोई आ रखा है तो दो दे दिया, फिर इफ के आया क्या कि चेक किया कि ग्रेटर देन इक्वल है जहाँ जहाँ ग्रेटर देन इक्वल वहाँ ट्रू दे दिया और जहाँ जहाँ वो एक से ज़्यादा है वहाँ वन बिठा दिया और जहाँ एक से कम है वहाँ जीरो दे दिया। ये आपका एग्जाम्पल था, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस, ऐसे समझ में नहीं आएगा आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल हम और इसके एरे के एग्जाम्पल देंगे, तो प्लीज़ प्रैक्टिस करते जाइए क्योंकि धीरे धीरे एरे कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा होते चला जाएगा, तो अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे साथ साथ में तो साथ में सर फोड़ोगे बोलोगे सर मैं समझ में नहीं आया, आप धीरे पढ़ाओ ये करो, ठीक है ना, इसलिए साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, अगर बीच में अगर एक आध क्लास का गैप चाहिए तो आप कर दीजिए, ठीक है ना। और लास्ट क्लास की सारी वीडियोज मैंने अपडेट कर दी है और इस क्लास की भी वीडियो आपकी आज मैं 11 बजे तक अपलोड कर दूंगा, ठीक है, मिलते हैं कल सेम टाइम, ओके।